तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्यामाकांत और आप देख रहे हैं मास्क हुआ है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भोजपुरी में किसके पास कितना संपत्ति है और एक फिल्म का कौन सा एक्टर कितना चार्ज करता है और एक गाने का एक एक्टर कितना चार्ज करता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लेके हमेशा आता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं भोजपुरी में पावर स्टार के नाम से जाने वाले पावर स्टार पवन सिंह, और एक फिल्म का ये 40 से 45 लाख रुपए लेते हैं और एक एल्बम का ये जो लेते हैं 3 से 4 लाख रुपए लेते हैं, ठीक है। और इनके पास टोटल जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ मतलब इनके पास जो कितना संपत्ति है, इनके पास 37 करोड़ की टोटल संपत्ति है जो कि ये अपने दम पे बनाए हुए हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पे आते हैं भोजपुरी का जन्मदाता कहे जाने वाले, यानी कि भोजपुरी पहले जो था, भोजपुरी का दर्शक तो भोजपुरी को देखते ही नहीं थे, तो जब ये अपने दौर में आए तो भोजपुरी दर्शकों को जोड़े एक दूसरे से, तो इनको इसीलिए हम कहते हैं भोजपुरी का जन्मदाता। तो इनका नाम है मनोज तिवारी और ये जो है अभी पॉलिटिक्स में मूव कर गए हैं, लेकिन ये जब भी आते हैं और फिल्म में आते हैं तो फिल्म में 20 से 25 लाख रुपए लेते हैं एक फिल्म का, और जो गाना गाते हैं तो उसमें मात्र 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं एक गाने का। और इनके पास जो टोटल संपत्ति है, इनके पास 26 करोड़ की संपत्ति है, ठीक है। इनके पास टोटल संपत्ति 26 करोड़ की है, ठीक है। अभी तीसरे स्थान पे जो आते हैं वो आते हैं जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा सुपर स्टार रवि किशन, और इन ये एक फिल्म का लेते हैं 40 से 45 लाख, क्योंकि ये बॉलीवुड में भी काम करते हैं, हॉलीवुड में भी काम किए हैं और टॉलीवुड में भी काम किए हैं, भोजपुरी में मतलब तमाम इंडस्ट्रीज में काम किए हैं, ठीक है। तो इनके पास टोटल जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ है इनके पास 24 करोड़ की, 24 करोड़ की नेटवर्थ है, और ये भी अभी पॉलिटिक्स में मूव कर चुके हैं, तो इनके पास जो नेटवर्थ है वो 24 करोड़ है। और ये सिंगिंग नहीं करते हैं अभी, तो इनका सिंगिंग वाला कोई भी डाटा मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप लोगों को नहीं बता पाया हूँ। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव, और ये इनका जो ओरिजिनल नाम है शत्रुघ्न यादव, और ये एक 40 से 45 लाख रुपया चार्ज करते हैं और एक गाने का 3 से 4 लाख रुपया चार्ज करते हैं। और इनके पास टोटल जो नेटवर्थ है वो है 15 करोड़, इनके पास जो टोटल नेटवर्क है, नेटवर्थ है यानी कि इनके पास टोटल जो संपत्ति है वो है 15 करोड़, ठीक है। और चौथे स्थान पे आते हैं हमारे सुपरस्टार जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, और ये एक फिल्म का जो लेते हैं ये लेते हैं 40 से 50 लाख रुपया ये भी लेते हैं, और ये साल में ज़्यादा फिल्म नहीं करते हैं, क्योंकि पवन सिंह खेसारी लाल यादव साल में 12 13 14 फिल्म कर लेते हैं, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ मात्र भोजपुरी में 3 से 4 फिल्म करते हैं एक साल में, और ये भी अभी पॉलिटिक्स में मूव कर चुके हैं, इसके वजह से इनका भोजपुरी से रुझान अभी थोड़ा बहुत खत्म हो चुका है, ठीक है। तो एक फिल्म का 40 से 45 लाख रुपये ये भी लेते हैं, और इनका जो टोटल नेटवर्थ है वो है आपका 12 करोड़, यानी इनके पास टोटल जितना संपत्ति है गूगल के अनुसार हम निकाले हैं डाटा, इसके हिसाब से 12 करोड़ इनके पास टोटल संपत्ति है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।